गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज देख सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखा जाता है। तो इसके चार टॉपिक्स हैं। फर्स्ट में क्या है, जैसे आपको कोई डिजिट दी गई हो और उसका जो लास्ट डिजिट है वो फाइव से कम है तो उसकी प्रिसीडिंग डिजिट में यानी उसके पहले वाली डिजिट में कुछ ऐड नहीं होगा और 2 डेसिमल प्लेस तक हम डिजिट को एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन अगर लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो उसकी प्रिसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा 3.43 और 6 है लास्ट डिजिट, तो 6 जब हम हटाएंगे 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो 3.44 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि कोई डिजिट अगर एंड हो रही हो 5 पर और उसके पहले के डिजिट यानी प्रिसीडिंग डिजिट ऑड नंबर हो तो उस प्रिसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ है 3.475 तो 5 को हटाएंगे तो 3.48 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिजिट 5 पर एंड हो रही हो, उसके पहले के डिजिट इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे है 3.485 तो 8 क्या इवन है, तो 5 अगर हम हटाएंगे तो 8 में कुछ नहीं ऐड होगा, 3.48 रह जाएगा। और जो लास्ट कंडीशन है वो है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हैपेंस टू बी 5 फॉलोड बाय द सम नॉन जीरो डिजिट, यानी कोई भी डिजिट 5 के बाद फॉलो हो रही हो कुछ नॉन जीरो डिजिट्स पर, तो भी अगर 2 डिसिमल प्लेस तक लिखना है, जैसे यहाँ डिजिट लिखी है 3.485010 तो 5 के बाद 0101 नॉन डिजिट आ गया, नॉन जीरो डिजिट है, या फिर 3.485125 फर्स्ट 5 के बाद जो डिजिट्स हैं 1 to 5 ये भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो आगे वाले डिजिट में यानी फर्स्ट प्रिसीडिंग डिजिट में डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3.485010 हो जाएगा, 3.48 में 1 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा। ऐसे 3.485125 में 5 रिमूव करेंगे तो 8 में 1 ऐड कर देंगे, 3.49 हो जाएगा। ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिजिट को कैसे लिखते हैं। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना हो कि डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देखते हैं उसके लिए 4 कंडीशन है। पहला क्या है कि अगर 0 डेसिमल के प्लेस को फिक्स करने के लिए लगाया गया है, जैसे इस डिजिट में 0.0654 यहाँ 0 क्या है, डेसिमल के प्लेस को फिक्स कर रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो इस डिजिट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 6, 5 और 4 यानी टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और अगर 0 डेसिमल को फिक्स करने के लिए नहीं लगाया गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कहीं लग गया है, तो वो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ 60.5 जैसे लिखा है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट कितनी हो जाएंगी, 3। या फिर 0 मेजरमेंट के लास्ट में आया हो, जो भी मेजर, जैसे हम 65 ग्राम मेजर कर रहे हैं तो 65.0 मेजरमेंट डिजिट के बाद लगा रहे हैं, तो वो भी 0 काउंट हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पहले लिखा हुआ है 0.06205, तो पहले जो 0.0 है ये डेसिमल को फिक्स करने के लिए लगाया गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंड टाइम ये 0 लगाया गया है, जो 2 और 5 के बीच में है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, ये इसलिए काउंट कर देंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 6205 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।